खिराज नो एक जाट बने गोगो जी मिलिया जी कहो के बेरे टबरियो ओ मेरो ओ पागलू जला तू मने मेरे सूठो बन जा मैं बीमार हूँ अरे तू उठ गए साफ सलीटे वो काम है वो तो साठ सफल आज तक तो है और गोगो जी ये बर्तन देता के पीढ़ी पीढ़ी पीर जागेगा सर पे गोयरा और खा गयो तो यहाँ पर मरगे कौन जावे आगे साफ खाडो वो तुरंत ही अट ठीक हुआ गो पर कोई गा भैंस धीरे धीरे मतलब कोई गड़बड़ सड़बड़ जाए बीमार जाए तो मेरी तंती बांध दियो जब गा भैंस जो है वो पहलो बिलोणो कान गर्जी के चढ़े छत्र चोरी बेटा बताया था बाकी कितना तीन दिन मामा छत्र वापिस आ गया बहुत तगड़ो परचो हो राम राम सा मनोज और थे देख रहे हो जलको चुरू लगातार है जी की चुरू जिले का मंदिर है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं प्रसिद्ध मंदिर है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आज है सरदारसर तहसील के बिल्लू बास मैयानगी है जी की आज कवरेज कराएंगे अंतर्गत है आप मेरी है एक अठे और बंगलिंक है गुगो जी जुड़ेड़ो है ग्रामवासी है पुजारी है वह बातचीत करके देखांगा और जानने की कोशिश कराँगा कि की मान्यता है जी की ये मेरी की जुड़ेड़ी है पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि आगे जो भी वीडियो आवे नोटिफिकेशन आप आने मिलते रहे जी मेरो नाम आसाराम है पारिक ब्राह्मण और ई गाँव में रहने वाला हूँ तो मेरी जब तक जानकारी मेरी याददाश्त है बट अब तक भाई 200 साल से कुछ साल पहले सुनने में आई है कभी अठे खिराज न हो एक जाट हो तो सरन जाट है मैंने गोगो जी मिला और गोगो जी मिलने बाद में बंगे कोई बीच गई बैज का गोगो जी घोड़े पर आ मीठे में बंगे कोई एक वो पागड़ो ताजू के मिन कोई वो बंगे घोड़े को केर भी ठीक है नी ताजू गिर गयो अरे बट बचपन में आ खिराज जी भाई रोगी तो खी हो सके के कैसे का बंगा कोई ताप शिरवा की होली तो बने गोगो जी कहो के बेरे टबरियो ओ मेरो ओ पागड़ो जला तू मने मन छोरे कहो मन खिराज कहो के भाई मेरे सूठो बन जा मैं बीमार हूँ अरे तू उठ गए माँ जब से वो उठ कर रहे हो हाँ नारुआ तो जो बुखार तो कुछ भी हुआ माँ भी वो पागड़ो जला दियो तो कहो जी थे वो खिराज बोलो भी जी थे कौन हो वो राजा हो कंवर हो कौन थे तो माँ कहो भी मैं हूँ गोगो जी महाराज सुननी मेरी बात है अरे छोरा तू अरे तो दी तू असंग बताओ तू तो खड़े हो गयो कहे तो तने काम उठा दू खिराज जी बोलिया को उठा दियो तो कह तू मेरी सेवा कर लग जा बोली जी मेरे से सेवा हुए नहीं हुए बोले हुए क्यों गए दूर पे खड़े और किए था अरे तू दूर पे खे बोकरे अरे तू जिया मतलब मन में तेरी धावना कृषि भी हिसाब से तेरी वहाँ मन सा पूर्ण होगी और वचन दियो सुनया सा तो वहाँ इतनी कह गिरे बतो जो निकल गया तो जो छऊ में हो गया तो बिंगा बाद में उन खिराज भगते आ ध्यावने के लिए भी एक महापुरुष आए घोड़े पर चढ़ गए अरे भी रंगरू पीना रो अरे वो कह गए तेंगे बच्चन को अपन पालन करना चाहिए जाए तो मैं भी वो दोपहर खेलने लग गया दोपहर खेते में साहब बंग गोगे जी वो कोई बंग पर मेहर हुई जी तो बन वो मिलियो जल्दी तो बस बन बच्चन दियो तो बंग वो काम सा आज तक तो सिद्ध हो गए आगे ही कोई भगवान जाने के टाइप का जी श्रद्धालु अठे आवे के टाइप की मन्नता है जी वहीं पूरी हुए देखो सा अठे तो यूपी तक का लोग आवे अब और तो था हरियाणा पंजाब की राजस्थान की तो बताऊंगी की यूपी तक तो भाई जिसका पूर्विया कहानियाँ पानी भाई पूर्विया भी अठे छिदा पतवा आने लग गया और मन साहपुर तो देखो जी अगले आस्था शुरू है बाकी असल में तो जो साफ सलीटे वो काम है वो तो साठ सफल आज तक तो है दूसरी जी अठे जी मेड़ो भरेजा है जी तो जी वो किए टाइम में भरेजा है कितने टाइम तक भरेजा है वो साहब बादो उतरते की छठनी मेड़ो भरे बिया तो हमारे साल के में 24 मेला लगे अच्छा हर पुण्य को लगे हर मतलब अंधेरी तेरस को लगे तीन दिन में मेलो मतलब वो चुको मंगो कोई मेलो है शायद छठ तो गोगो जी मिले होने बाप मैं थाने पूरी बात को बता सकूँ मैं वो छठ को ठकिया तो मेलो मंडे है किया अभी बात को पूर्ण जानकारी बाप मैंने कोई नहीं है पर मेरे भाई मियाँ के भी दिन मैंने गोगो जी मिलना है तो 26 मेला तो है 24 मेला तो है 1300 पुण्य हो गया यार तीन दिन मेला वो हो जाए जरे मेला तो 27 दिन का हो गया अब वो जो बड़ा मेलो है बिंग आस पास गए लोग आवे है भाई आपके हिसाब से आस्था सर उसे दो पूज करें शेरनी चढ़े और तो के अठे जी पूजा पाठ है वो
कुण करे या के हिसाब अठे डेली पूजा पाठ होवे सा नित प्रति अठे धूप पियो होवे दोन्या मंदिरा में सुनो श्री तो और आज से 5 साल पहले जो को सेवक हो बिंगो नाम हो लल्लू राम नायक बिंगो सुरगवास गयो और बिंगा जाने के बाद में बिंगा लड़कन वो काम सौंप दियो वो इंगो दुनिया टेम दुनिया मंदिर में धूप ध्यान करे वो हाँ खिराज भगत परिवार का नहीं वो खिराज भगत परिवार है वो तो रे दीवानी गम है वह पूजा पाठ करें आपके घरे अठे जो पूजा पाठ है वो 12 पुण्य तो करे वो प्रकाश है और पुण्य गो मान लो और तेरस गो मान लो और जो कह छठ गो मेड़ो बरे नहीं बिम तो भगत आप आवे जो को इस नाम आज ही मिशन नाम है विशेष जी अठ रात वगैरह भी जगह जावे रात वगैरह तो जग गई है तो वह तो पुण्य होते 12 पुण्य लग गई है सामने में जिया बाद में दो तीन जागने लग गए और हर आदमी जागने लगा तो ही रहे तो बस जागता ही रहे सुनी तो जगह रही को नहीं अठ मतलब चालू ही रहे एकड़ दो कर चार आदमी सब जो चालू ही रहे हैं और आन तकरीबन 40 साल हो गया पाली में पिताजी सेवा करी है बंग शुरुआत हो गया तो भाई देखभाल ऐ करी इनकी विशेष योगदान यह है स्वरूपोत की अजंती है और खिराज भक्त ने ये 5 साल के ने मिलो जो सुनती में आई है कि ये कह लियो छोटो और आज तक वो खड़ी है और गोगे जी का यही वरदान देड़ा ये काफी का को बता चुके और गोगे जी यही वरदान देड़ा कि पीढ़ी पीढ़ी पीर जागेगा और आप में चाल रही है छठी पीढ़ी में भगत है इमचंद और विशेषता यह है सर पे गोयरा और खाग्यो तो यहाँ पर मर्गे कौन जावे अभी तक धोबंती लगाने के बाद में सुरक्षित रहे अच्छा आजकल की जो हॉस्पिटल ये चीजें ज्यादा चल रही है तो फिर भी ये लोग मार लोग नहीं जो कोई एरिया को कई दूर तक ही आ रहे है वह कोई मेडिकल में कोई हॉस्पिटल में नहीं जा रहे बैठे सिंह भूमि ले और तैयारी हुआ है आज तक इन जगह पर कोई मरेडो नहीं है कोई कौन गए बारे मारे का वो कोई आदमी बारे कौन गए उसका मार तो एड़ी पर आए जब कहने पान लाग गए वो आज तक तो ठीक हो गए है और बारे कौन गए कोई आगे साहब खड़ो वो तुरंत ही अटे ठीक हुआ गो 3 दिन का मां मां भी नहीं गिरे गाल देगा ठीक करके इस जगह के योगदान यो है बचने को जी का ये 3 दिन अठे रखो थे हां तो बेंगो भी जो कोई टाइम पीरियड विशेष हो है या जिया कदी भी हो है भी आज भी अभी भी खा गयो नहीं तो तुरंत अभी लियाओ नहीं भगत आ जाओ दिवानी छु और आगे भवंती लगा दियो अभी भी काट दियो अगर सर्प ने या गोरे ने तो तुरंत ठीक हो जाओगे आ तो आती और मेले की बात करो और टेस्ट की बात करो मेडिकल टेस्ट है संस्था आएंगी और पूरा प्रबंध है सरकार को भी प्रबंध है और अब भी तला लग रही है सरकार को प्रबंध है संस्था को भी प्रबंध है और सारे देख रेख संस्था की है जो कि पुरानी मेडी है आ डाल मान का राजा ही बनाई दी है अच्छा पुरानी है जो कि और इन सारे मेडी बनी है छोटी सामने दिखे आ दिल्ली के काजल जाट की बनाई दी है और आ संस्था बने रहे गिरी महात्मा हूँ मैं साधु आज का तो कोई की करामात हो की करामात में एक कान गिरी जी नाम संता बंग है मतलब बन इस हिसाब की प्रेरणा हुई कभी आगे कोई बुलाओ हो गए जो कभी माने जीवित समाधि वो कम क्यों तो वहाँ कह मेरी मैं काल समाधि लूँगा तो गाँव ने बेड़ा कर लिया गाँव ने बेड़ा करके वहाँ जीवित समाधि लींदी जीवित समाधि ने आज 165 साल पहली वो सुधी वर्ष की समाधि लूड़ी है बंगी मतलब समत दो समत 1913 में भी टाइम की मारे जीवित समाधि है जबकि वो मैं ध्यान रखा और बान अंत समय में कोई तमाम पूछो नहीं कभी महाराज माने के बताओ तो बोले और तो मेरे कन की है पर कोई गा भैंस धीरे मतलब कोई गड़बड़ सड़बड़ जाए बीमार जाए तो मेरी तांती बांध दियो और आ बबूती लगा दियो और मेरो वो दिन है नहीं मतलब वर्ष पो सुधी वर्ष बिन ने सवा शेर को चूरमू साढ़े करो तो मारो गांव सो सो बैठे आज भी बड़े पवित्र वर्ष की चूरमू चढ़ा में भाई वर्ष की रोग लागे जी हाँ पशु है गाय गुई को धोक मारा के भी आ गाय है ब्याई को नहीं या इंगे कोई पग में दिक्कत है चरे को नहीं तो भी वोट लेने के बाद में ठीक हो है जी हाँ गा भैंस भी है वो पहलो बिलोणो कानगर जी के चढ़े गांव की सभी आई है मान लो पशुओं के बारे में और तो आप की तो कर ही अच्छा एक घटना है जी की चोरी की रेडी एक बार छत्तर चोरी हो रहा बताया था बाकी घटना बाट है छत्तर ले गया एक तो रेडी भी गया एक दो गांव हो रहा और 1.25 किलो छत्तर आप ले गया और 3 दिन मामा छत्तर वापिस आ गया
बहुत तगड़ो परचो हो वे पकड़ी जा थे एक सारी कोचरी बोली जीवने पास है बोले वो के वो एक सगड़ो कहे यार कोचरी बोली है छोतरिया तटी छोड़ जाओ एक गलत है ले जाना अपना एक वो सगड़ो बोले ना की गोला के रामलीला गालते गालते हैं आपने किए ए तो छतरा अपने तब ही आ गया चोखो काम हुए 100 किलो चांदी है बेचांगा मौज करांगा वो कोचरी बोलने के बाद के मैंने वो तो दिक्कत ही गई फिर मैं जाके थाने में रिपोर्ट करवाई आद राम जी नाम एक मेघ वाला थानेदार जी पे बोलिया भाई थारा 3 दिन भीतर भीतर थारी चोरी वापिस आ जाओगी थारे सच्चाई है तो मैं तो सच्चाई खतरा आया मैं अठवें में 20-30 आदमी गया बडेरा बूढ़ा बुजुर्ग ले गया और जनता वहाँ अप्लीकेशन दर्ज कर ली 3रे दिन वापिस छतरा आ गया अथे मेडी है मंदिर है बेने आप जानने की कोशिश करिए और कुछ जी का दर्शक है बेने अंधविश्वास में भी जुड़े तो मान्यता अपनी जगह है धार्मिक आस्था अपनी जगह है विज्ञान अपनी जगह है और अन्य कोई सोचे वो आपकी जगह बाकी कमेंट बॉक्स लगातार खुल्लो है अपनो उद्देश्य है जो कोई धार्मिक भावना ने ठेस पहुँचाना अंधविश्वास और पकड़ फैलाना नहीं है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि आगे जो वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपने मिलते रहे ठीक है सोचे और भी कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताओगा जय चुरू जय राजस्थान जय हिंद।